तो दोस्तों चेन्नई से चेन्नई सुपर किंग को लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट आई है। जहाँ दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के टीम के जो खिलाड़ी है वह दो ग्रुप में बंटकर प्रैक्टिस किया है। जहाँ दोस्तों एक टीम थी ग्रीन टीम तो दूसरा टीम थी रेड टीम। और बता दें कि इसमें कमाल का परफॉर्मेंस किए हैं कई खिलाड़ी, तो इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस किया है और कौन सा टीम जीता है यह मुकाबला जो कि प्रैक्टिस मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग का। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चेन्नई सुपर किंग का सुपर वाला फैन है तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें ग्रीन टीम जो कि सबसे पहले बैटिंग की, और बता दें कमाल का परफॉर्मेंस किया उनके तरफ से कई खिलाड़ी। जहां दोस्तों बता दें कि अजिंक्य रहाणे बेहतरीन फॉर्म में दिखे जो कि 30 बॉलों में 60 रन ठोक दिए। इसके अलावा शेख राशिद जो कि कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं प्रैक्टिस कैंप में चेन्नई सुपर किंग का, वह भी 30 बॉलों में 55 रन बना डाले। इसके अलावा बता दें मोइन अली जो कि 14 बॉलों में 25 रन बनाए, और दीपक चहर भी बल्लेबाजी में हाथ दिखाए और बता दें कि 7 बॉलों में बना दिए 12 रन। वहीं बता दें कि जब बारी आई रेड टीम का तो दोस्तों बता दें कि यह स्कोर जो कि 14.1 ओवर में ही चेस कर दिया। और बता दें कि जो सबसे ज्यादा रन बनाए रेड टीम की तरफ से वह खिलाड़ी थे ऋतुराज गायकवाड़, या दोस्तों बता दें कि 35 बॉल में 65 रन ठोक डाले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो कि 28 बॉल में 55 रन बनाए। वहीं MS धोनी का भी एक विध्वंसक रूप दिखा, जहां दोस्तों और बता दें उसमें 20 बॉलों में 40 रन बनाए। और बता दें कि समीर रिजवी भी शामिल हो चुके हैं चेन्नई सुपर किंग के प्रैक्टिस कैंप में और वह भी 6 बॉलों में 20 रन बनाए। वहीं निशांत संधू ने 17 बॉलों में 30 रन बनाए। वहीं बात करें विकेट का तो दोस्तों बता दें कि ग्रीन टीम की तरफ से मोइन अली और दीपक चहर दो सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने विकेट झटके इस मुकाबले में। वहीं बता दें कि रेड टीम की तरफ से जो सबसे ज्यादा विकेट लिए वह है रविंद्र जडेजा और निशांत संधू। जी हां दोस्तों, और इस तरह से वह मुकाबला जो कि रेड टीम ने जीत लिया है। लेकिन बता दें कि इन दोनों टीमों की तरफ से कई बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे जो कि दोनों चेन्नई सुपर किंग के ही खिलाड़ी है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट भी खुश है, क्योंकि आने वाले समय में यह सभी खिलाड़ी बेहद ही अहम रहने वाले हैं और इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है चेन्नई सुपर किंग आगे जाने वाली है। अगर इनका परफॉर्मेंस कम खराब रहता है तो फिर तो मुश्किल में फंस सकती है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग के यह धाकड़ खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे IPL 2024 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग की या धाकड़ खिलाड़ी कैसे करेंगे परफॉर्मेंस, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।